CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक दुकानों, स्टोर्स, मेडिकल मॉल आदि पर वाइन बेचने की अनुमति देने के खिलाफ आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के आदेश पर पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलकर के नेतृत्व में काश्मीरा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने जोरदार आंदोलन किया। इस अवसर पर बोलते हुए देवेंद्र शेवलेकर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से जनता में तेवर नाराजगी दिखाई दे रही है। हर जगह वाइन मिलने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। श्री शेलकर ने कहा कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए सरकार को तत्काल इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर वाइन बेचने की अनुमति को निरस्त नहीं किया तो हमारी पार्टी फिर आंदोलन करेगी। ये मामला ऐसा है कि हमारे जो महाराष्ट्र सरकार ने वाइन सब शॉप किया, राशन की दुकान पे, मॉल में चालू किया, इसके विरोध में, क्योंकि जो आने वाली कल की पीढ़ी, बच्चे लोग सब वाइन पीने लग जाएंगे। और ये सरकार, बिगाड़ी सरकार इतनी नीचे गिर गई कि आज वाइन चालू करेगी, कल से दारू भी बेचेगी। ये हमारे राष्ट्रीय नेता रामदास जी अठावले साहब का आदेश है कि पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो जाए और ये वाइन चालू नहीं होने देने का। हमारी ये मांगनी है कि आज जो भी निर्णय लिया है वाइन चालू करने का, वो बंद करने की मांगनी है। और ये अगर रद्द नहीं किया तो इससे भी ज़्यादा हम रोड पे उतारेंगे। पत्र निवेदन दिया है, पहले भी दिया है और अभी आज भी देंगे। हमारा अगला कदम ये होगा, रास्ता रोक करेंगे, पूरे मीरा भाईंदर में पूरा रोड जाम करेंगे। नहीं, इसके पीछे में उनको गांजे की कैसी खेती लगा दो ना, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये गांजे इनका पैसा कमाने के किसानों के लिए नहीं, इनके उनसे पार्टनरशिप होने की वजह से ये वाइन चालू किया। कल देसी दारू, विदेशी दारू भी चालू करेंगे, वो भी किसानों का फायदा बोलेगी।